दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यमहा के FZ का वर्जन 3.0 लेटेस्ट OBD2 का BS6 फेज 2 मॉडल जिसमें E20 का अपडेट आ चुका है, यानी अब इस बाइक में भी फ्लेक्स फ्यूल पड़ेगा। यहाँ टैंक पे आपको E20 की बैचिंग मिल जाएगी जिससे कि आप श्योर हो पाएंगे कि ये लेटेस्ट OBD2 मॉडल है। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्राइस से लेके फीचर सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कलर वेरियंट की। तो ये जो स्क्रीन पे कलर देख पा रहे होंगे ये है इसका ब्लैक कलर वेरियंट। एक कलर वेरियंट इसमें आपको और मिल जाएगा जो की ब्लू कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इस कलर वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्राइस की बात करें तो करंट में इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,16,200 रुपीज, 1,16,200 रुपए एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगी प्रयागराज यूपी की। और कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आपको 1,44,000 टू 1,50,000 रुपीज, 1,45,000 से 1,50,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज यूपी की। अब इस प्राइस में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टैंक पे E20 की बैचिंग आप देख लीजिए, यानी ये E20 BS6 फेज 2 मॉडल है जिसमें OBD2 का अपडेट आ चुका है। टैंक पे E20 की बैचिंग आपको मिल जाएगी। टैंक कैपेसिटी आपको 13 लीटर की देखने को मिलेगी। टैंक कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। फ्लेक्स फ्यूल इसमें पड़ेगा 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के कॉम्बिनेशन वाला पेट्रोल इसमें पड़ेगा। टैंक आपको मस्कुलर देखने को मिलेगा। साइड में आपको यमहा का ब्रांड लोगो देखने को मिल जाएगा। टैंक पे डुअल टोनिंग देखने को मिलेगी, ब्लैक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन लुक को काफी इनहेंस करता है। मीटर कंसोल देखेंगे तो मीटर कंसोल फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव LCD टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। बैटरी का कनेक्शन नहीं है, नहीं तो हम आपको इसे ऑन करके दिखाते। मीटर कंसोल फुली डिजिटल हो चुका है। इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर के साथ ABS इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, साइड इंडिकेटर और हाई बीम इंडिकेटर मिलेगा। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है। लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच एक ही स्विच में मिलेगा। इंटीग्रेटेड स्विच रखा गया है। नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिल जाएगा। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है। सिंगल ट्यूबुलर हैंडल बार आपको मिल जाएगा राइट हैंडल बार पे। इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिल जाता है। साइड से लुक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। टैंक काउल पे आपको FZ वर्जन 3 की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। और आगे आपको एयर वेंट जैसा लुक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट से इसका लुक आपको नेकेड स्पोर्टी लुक मिलेगा। और फ्रंट का जो हेडलैम्प है वो आपको फुली LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा डुअल पार्टीशन में। तो विजिबिलिटी नो डाउट काफी बेहतर हो जाती है, विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऊपर आपको ब्रांड लोगो मिल जाएगा यमहा का, और जो इसका इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन का बल्ब वाला इंडिकेटर मिलेगा। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। 282 mm की डिस्क की साइज रखी गई है और सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप ABS की चैन भी देख पा रहे होंगे। तो ABS का सपोर्ट है तो ब्रेकिंग आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी। फ्रंट का जो टायर है वो आपको 100/80 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। टायर भी आपको ट्यूबलेस मिलेंगे और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील इसमें आपको मिल जाते हैं, स्पोर्टी अलॉय व्हील जो कि इसके लुक को काफी इनहेंस करते हैं। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको हमेशा की तरह टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा। सस्पेंशन क्वालिटी भी काफी बेहतर है, सस्पेंशन क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरे साइड से लुक आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। दूसरे साइड भी आपको FZ वर्जन 3 की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। इंजन के नीचे आपको स्पोर्टी इंजन काउल देखने को मिल जाएगा जो कि लुक को भी काफी इनहेंस करता है, साथ ही साथ इंजन को काफी अच्छा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। 149cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2-वॉल्व BS6 फेज 2 का इंजन इसमें आपको मिल जाएगा। 12.4 PS की मैक्स पावर आपको मिल जाएगी 7,250 RPM पे और 13.3 Nm का मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 5,500 RPM पे। पावर और टॉर्क काफी बेहतर है, पावर और टॉर्क से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। सीट कंफर्ट काफी बेहतर है, सिंगल सीट आपको मिल जाती है। सीट कंफर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट सीट की लंबाई आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो 2-सीटर ये बाइक है, इस चीज का गौर कर लीजिएगा। आगे आपको ग्रैब व्हील मिल जाएगा ग्रे कलर का जिससे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पकड़ भी प्रोवाइड होती है। रियर सेक्शन का जो टेल लैंप है वो आपको बल्ब वाला टेल लैंप देखने को मिलेगा और जो इंडिकेटर है वो भी आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे। रियर में रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है आपको, दोनों ही साइड रिफ्लेक्टर भी आपको मिल जाता है। रियर सेक्शन में टायर के ऊपर आपको हैगर गार्ड देखने को मिल जाएगा, तो टायर पे हैगर गार्ड है तो बारिश के टाइम में काफी अच्छा हेल्प प्रोवाइड होता है। और जो रियर सेक्शन का ब्रेक है उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, 220 mm डिस्क की साइज रखी गई है, बट रियर में आपको ABS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। रियर का जो टायर है उसमें आपको 140/60 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, तो पीछे वाले टायर की चौड़ाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और कॉर्नरिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हील आपको ब्लैक कलर का स्पोर्टी अलॉय व्हील मिल जाता है। रियर सेक्शन का जो सस्पेंशन है उसमें आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलेगा जिसे आप 7 स्टेप तक एडजस्ट भी करवा पाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो सस्पेंशन एडजस्टेबल मिलेंगे। ये भी काफी सही है, सस्पेंशन क्वालिटी भी काफी बेहतर मिलेगी। और ये है इसका एग्जॉस्ट जो कि आपको छोटे शेप में देखने को मिलेगा और इस पे आपको मफलर
कवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी ट्यूनिंग भी इसको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ लुक भी अच्छा प्रोवाइड करता है। तो कैसी लगी है बाइक और कैसी लगी है वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।